कोलारस में आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुभारंभ विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा किया गया। डॉक्टर संजय ऋषेश्वर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी के निर्देशन में कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी ओपी भार्गव, डॉक्टर राजेश भार्गव, चिंटू श्रीवास्तव, सीबीएमओ डॉक्टर सुनील खंडोलिया, डॉक्टर इंदु जैन, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, डॉक्टर नीलेश महते, डॉक्टर रश्मि यादव, डॉक्टर शशिशाक के साथ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सूरज मोवालिया, बाल एवं शिशु रोग डॉक्टर दीपक गोयल, स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर आशीष कुशवाहा, मेडिसिन डॉक्टर यशा बादल, नेत्र रोग डॉक्टर अनिता अहिरवार, ईएनटी डॉक्टर महिपाल सिंह, त्वचा रोग डॉक्टर शिवांशु प्रजापति, मानसिक रोग डॉक्टर अलीशा सिंह, दंत रोग चिकित्सक कोलारस संस्था पर आए। शिविर का विशेष प्रबंध डॉक्टर हेमंत रावत, सीपीएचसी सलाहकार और बीपीएम श्री रजनी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। शिविर में 478 मरीजों का परीक्षण उपचार हुआ, जिसमें से 97 मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे और उनका उपचार जारी था। 14 मरीजों को जिला चिकित्सालय हेतु रेफर किया गया है। अंगदान हेतु प्रोत्साहित करने पर 5 लोगों ने अंगदान की प्रतिज्ञा ली। 8 हाई रिस्क गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी डॉक्टर विवेक शर्मा द्वारा की गई। 16 जन को जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। 23 आभा आईडी बनाएगी। 9 नवीन आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 82 गर्भवती महिलाओं को उपचार मिला। शिविर में डॉक्टर विनोद शर्मा, बीईई हेमलता खत्री, रजनी श्रीवास्तव, हरगोविंद मिश्रा, दाऊदयाल खेमरिया, विवेक पचौरी, विनोद प्रजापति, गीता चौहान, सज्जन राजेश, महेश जाटव, संजय जैन, बीएएम सहित समस्त इंटर्न चिकित्सक, सीएचओ, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा पर्यवेक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को तत्काल उपचार मिले। विधायक महेंद्र सिंह यादव ने अपने उद्बोधन में चिकित्सकों को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि बीमार व्यक्ति को सबसे पहले डॉक्टर का ही स्मरण आता है। मरीज जिस समय भी अस्पताल आए उसे तत्काल उपचार मिलना चाहिए। मरीजों के प्रत्येक सहयोग के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी ओपी भार्गव ने कहा कि कोलारस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जिला स्तर के चिकित्सकों का उपचार आज विकासखंड के अस्पताल में हो रहा है। अस्पताल से ही निःशुल्क औषधि सभी को प्राप्त होगी। 61 प्रकार की जांच यहां निरंतर हो रही है। सोनोग्राफी की सुविधा भी यहां आरंभ हो गई है। विधायक के प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। डॉक्टर राजेश भार्गव ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत सुधरी है। पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में अनिवार्य औषधि की उपलब्धता हुई है। ये सभी के लिए खुशी का विषय है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हुई है। सीबीएमओ डॉक्टर सुनील खंडोलिया ने सभी का आभार